मेरे मेंटर ने बोला कि हम जब किसी को मिलते हैं तो हमें किसी को कुछ देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए. तो बहुत बार हम सोचते हैं ऐसा कैसे, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं किसी को एनकरेज कर सकूँ, बता सकूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं. एक स्लोगन था बी द इंस्पिरेशन. सो हाउ कैन आई बी द इंस्पिरेशन जब मुझे हमेशा अपने अंदर कमी नजर आती है और मुझे लगता है मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं ऐसा कुछ खास कर ही नहीं सकती जिससे मैं दूसरों को एनकरेज कर सकूं. मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें एक हॉस्पिटल में एक कमरे में दो बेड थे. एक बेड विंडो के बिल्कुल पास था और एक थोड़ा दूर था. जो विंडो के पास वाला बेड था उस पर एक पेशेंट था जो थोड़ा सा उठ सकता था, हल्का सा एल्बो से, और दूसरा पेशेंट बिल्कुल नहीं उठ सकता था. तो जो विंडो के पास वाला पेशेंट था वो दूसरे पेशेंट को बहुत स्टोरीज बताता रहता था कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर परेड चल रही है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, फ्लावर्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रेनिंग. जो दूसरा पेशेंट था उसको ना बहुत बुरा लगता था. उसको लगता था इसको तो बड़ा अच्छी साइट मिली हुई है, एटलीस्ट वो बाहर तो देख सकता है, एटलीस्ट उसका मन तो लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा जलता था. एक दिन ऐसा आया कि विंडो के पास वाले पेशेंट की डेथ हो गई, वो वहाँ से चला गया. तो दूसरे पेशेंट ने रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ शिफ्ट कर देंगे. उसको शिफ्ट कर दिया गया. जब वो वहाँ शिफ्ट हुआ उसने उधर देखा विंडो के बाहर, तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो एक दीवार थी, वहाँ ऐसा कोई प्लेग्राउंड या ऐसे कोई गार्डन्स कुछ थे ही नहीं. बहुत हैरान होता है. वो सिस्टर से पूछता है कि सिस्टर ये विंडो के बाहर तो वो मुझे इतने अच्छे अच्छे सीन्स बताता था, फिर विंडो के बाहर तो सिर्फ दीवार है. तो सिस्टर ने बोला पर वो तो अंधा था, वो तो बाहर देख ही नहीं सकता था. फ्रेंड्स आपने देखा कि वो देख भी नहीं सकता था, फिर भी वो कोशिश करता था कि साथ वाले का मन लगे तो उसको कुछ कुछ अच्छा अच्छा बताता रहता था. ये है कि हम बिना कुछ अपने पास हुए भी दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं. ओनली विल होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है. एक बार मेरे को कोई किसी को मिलने ले गया शिमला में, और जिनको हमने मिलने जाना था उनकी लेग्स इतनी सी थी, और एक बीमारी होती है जिससे सारा श्रिंक हो जाता है मसल्स, यू नो. सो ये टोटल लेग वॉज दिस साइज, एंड सो शी यूज टू वॉक लाइक अ फ्रॉग, जैसे दो प्लैंक्स रख के तो ऐसे ऐसे जंप करके शी यूज टू वॉक. बहुत लाचार वाले हालात थे. लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे मैं हैरान रह गई कि वो सड़क पे खड़ी थी और हमें तो दिख भी नहीं रही थी बिकॉज हर हाइट वॉज टू स्मॉल. तो वो दूर से हमें ऐसे ऐसे वेव कर रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि हम घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ गई कि गाड़ी थोड़ा सा धीरे है तो इसी में वो लोग होंगे. तो वो उसके बाद 100 सीढ़ियाँ नीचे थी वहाँ से, और वो कैसे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी और साथ में पूछ रही थी आई होप जर्नी वॉज ओके, आई होप इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द हाउस. एंड आई वॉज अमेज्ड. My daughter was very small at that time. I told my daughter, I said, see, her own condition is like that, but she's asking about us, that we are fine and everything was. And we get so, you know, hassled, chote chote baat pe. So then, hum jab niche pahunche, to pata chala ki wo akeli rehti hain. Aur unhone hamare liye itne snacks bana ke rakhe hue the. वो गैस ऑपरेट करती थी तो ऐसे अपने आप को जंप करके स्टूल पे बैठती थी, फिर वो गैस पे कुछ करती थी. और फिर हमें बताया गया कि ये किसी ऑफिस में काम करती हैं, और जैसे स्नोफॉल होती है शिमला में तो सब बहुत लेट आते हैं कि आज तो स्नोफॉल है, पर एक वो है जो 9 बजे डॉट पहुंच जाती हैं, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे रेन हो, चाहे कुछ भी हो. फ्रेंड्स आपने देखा कि वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए, कि मजबूरी, लाचारी, कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती. उन्होंने जो करना है वो करना है, और इस बात से उन्होंने कितनी दुनिया को एनकरेज किया. सो फ्रेंड्स लेट्स बी द इंस्पिरेशन, वी कैन बी. उन महिला को सोच के मुझे एक शेर याद आता है, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ही ठोकरों ने सिखाया है. थैंक यू.